हाय फ्रेंड, तो चलिए आज हम बनाते हैं मटर पुलाव। तो आइए हम उसके इंग्रेडिएंट जान लेते हैं। ये हमने बासमती चावल लिया है। इस गिलास से दो गिलास चावल लिया है। हमने एक कटोरी में आधा कटोरी फ्रोजन मटर लिया। आप चाहे तो ताजा मटर ले सकती हैं। एक चम्मच नमक लिए हैं, तीन बड़ा चम्मच देसी घी लिए हैं, 10-12 काजू लिए हैं, 2 रेड चिली, 2 तेजपत्ता, 2 दालचीनी के टुकड़ा, 3 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 6 लौंग, 8-10 काली मिर्च, 1 चम्मच जीरा। आप चाहे तो जो भी इच्छा हो गरम मसाला ले सकते हैं या जो चाहे हटा सकते हैं। अब हम इस चावल में पानी डालेंगे। इसमें पानी डालकर कम से कम 20-25 मिनट के लिए इसको भिगोकर रख देंगे, फिर हम मटर पुलाव बनाएंगे। देखिए फ्रेंड, हम गैस जला दिए हैं और कुकर रख दिए हैं और कुकर को गर्म होने देंगे। देखिए फ्रेंड, कुकर गर्म हो गया। अब हम इसमें अपना ये घी डालेंगे। घी थोड़ा गरम होने दीजिए। देखिए फ्रेंड, घी गरम हो गया। अब हम अपना साला खड़ा गरम मसाला डालेंगे। देखिए फ्रेंड, इसकी हम डंडी नहीं तोड़े हैं। ये डंडी के साथ में रहता, देखने में अच्छी लगती है, इसलिए हम डाल दें। चलिए हम अपना डाल दें। देखिए फ्रेंड, हमारा गरम मसाला हो गया। एकदम गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे। अब हम इसमें अपना काजू डालेंगे। अब इसको भी आधा मिनट फ्राई करेंगे। देखिए फ्रेंड, हमारा काजू भी एकदम फ्राई हो गया है ना। अब हम अपना ये एक कटोरी फ्रोजन मटर डालेंगे। देखिए फ्रेंड, अपना मटर फ्रोजन मटर है, इसलिए हम इसको ज्यादा नहीं, आधा मिनट फ्राई करेंगे। गैस की फ्लेम मीडियम रहेगा। देखिए फ्रेंड, आधा मिनट हो गया, हमारा मटर भी हो गया। अब हम इसको, देखिए तो फ्रोजन मटर है, ये तो थोड़े समय हो जाते हैं। अब हम इसमें अपना नमक डालेंगे। इसको थोड़ी देर चलाएंगे। देखिए फ्रेंड, ये हम चावल जो पानी में भिगो के रख दिए थे उसको धो के छान लें। अब हम इसमें अपना चावल डालेंगे। अब इसको चलाएंगे अच्छे से। इसको एक मिनट मीडियम आंच पे चलाएंगे तो थोड़ी अच्छी बनेगी और इसकी टेस्ट अच्छी आएगी। एक मिनट इसको चावल को फ्राई करिए। देखिए फ्रेंड, एक मिनट हो गया। अब हम इसमें अपना पानी डालेंगे। देखिए फ्रेंड, इस गिलास से हम दो गिलास चावल लिए हैं, तो एक गिलास चावल हो तो 1.5 गिलास पानी डालेंगे, दो गिलास चावल है तो 3 गिलास पानी डालेंगे। 3 गिलास चावल डालेंगे। पानी ना ज्यादा होना चाहिए ना पानी कम होना चाहिए। जितना हम डाल रहे उसी हिसाब से डालिएगा, नहीं तो हमारा मटर पुलाव अच्छा बन के नहीं तैयार होगा। देखिए,
अब इसको अच्छे से चला लीजिए। अब फ्लेम गैस के तेज कर दीजिए। हम गैस के फ्लेम तेज कर दिए हैं, अब हम कुकर का ढक्कन लगाएंगे और तेज फ्लेम पे दो सीटी आने तक पकाएंगे। दो सीटी आएगा बस गैस हम बंद कर। देखिए फ्रेंड, हमारा पुलाव बन के तैयार है, सीटी भी निकल गई। हम आपको दिखाते हैं, देखिए देखिए कैसा बन के तैयार है। देखिए आपको निकाल के दिखाते हैं, देखिए देखिए कैसा। अब हम इसको सर्व करके दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड, हरा मटर पुलाव बनके कितना यम्मी और टेस्टी तैयार हो गया है। देखिए आप फिर हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताइए कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करें, शेयर करिए। थैंक यू फ्रेंड।